हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। जब हम किसी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं तो हमारा मतलब बेसिकली एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस से है। एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस मतलब हमारा देश ब्रिटिश राज से आज़ाद हुआ था। किसी और का कंट्रोल हमारे ऊपर रहता है तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इससे हमने लड़ झगड़ कर, कितनी सारी कुर्बानियां देकर इंडिपेंडेंस हासिल किया। इंडिपेंडेंस मतलब स्वाधीनता, अपने आप पर डिपेंडेंस। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। लेकिन क्या एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि कोई इंटरनली भी इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंस मीन्स फुल कंट्रोल ओवर सेल्फ, अदर्स, थिंग्स, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। इंडिपेंडेंस शब्द का मतलब ही है कि फुल कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पर, दूसरों पर, चीज़ों पर, सिचुएशंस पर और सर्कमस्टेंसेस पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा कंट्रोल है इन सभी चीज़ों पर? हम भले ही ब्रिटिश के राज से आज़ाद हो गए होंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फोर्सफुली अपने अधीन रखती हैं। हम खुद के अधीन हैं, कभी कभी दूसरों के अधीन हो जाते हैं, चीज़ों के अधीन हो जाते हैं, सिचुएशंस के अधीन हो जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस के अधीन हो जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ों को कंट्रोल तो हम कर लेते हैं, जैसे हम क्या खाना चाहते हैं हम इसको चूज़ कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या पहनते हैं अपने जूनियर्स या अपने कलीग्स, इक्वल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब दूसरे लिविंग एंटिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथों पे मोबाइल या रिमोट कंट्रोल डिवाइस से हम नॉन लिविंग थिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा हमारा चैनल लग जाता है, जो यूट्यूब चैनल चाहते हैं उस पर ट्यून कर लेते हैं। हम क्या पढ़ते हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम कहाँ से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। डू वी कंट्रोल एवरीथिंग? ऑब्वियसली नो। सोचने वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। क्या हम अपना जन्म कंट्रोल कर सकते हैं? कैन वी कंट्रोल आवर बर्थ? नो, ये नेचर के द्वारा डिसाइडेड होता है। हम अपना बर्थ कंट्रोल नहीं कर सकते। कहाँ पे हम पैदा होंगे ये हमने डिसाइड नहीं किया, हमने अपने पेरेंट्स को बस एक्सेप्ट किया है। कौन हमारे पेरेंट्स होंगे, किस घर में हम पैदा होंगे, अंबानी के घर में कि जुगी झोंपड़ी में, ये हम डिसाइड नहीं करते। हम बस पैदा हो जाते हैं। ओल्ड एज, हमें ओल्ड एज तो नहीं चाहिए ना। इनफैक्ट किसी को भी ओल्ड एज नहीं चाहिए, डिजीज नहीं चाहिए, डेथ नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर फोर्स्ड अपॉन है, हमें फोर्सफुली एक्सेप्ट करनी पड़ती है इन चीज़ों को। ओल्ड एज किसी को नहीं चाहिए, आदमी एंजॉय नहीं कर सकता उस टाइम पे। वो चाहता है कि हम एंजॉय करें, लेकिन उसके सेंसेस उसका साथ नहीं देते, कमज़ोर हो जाते हैं। डिजीजेस, ना चाहते हुए भी हमें कितनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज का ही सिनेरियो देख लीजिए, कोरोना वायरस का ये जो सिचुएशन चल रहा है, किसी को भी कहीं भी कभी भी डिजीज़ हो सकता है और इससे उसकी जान भी जा सकती है।
ये बिल्कुल ही अनसर्टेन है, हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। क्या डेथ किसी को चाहिए? नहीं, लेकिन डेथ सबको होता है। इनफैक्ट बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज़ और डेथ, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो सबको होती हैं, किसी को नहीं चाहिए, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें सोचना चाहिए। आजकल एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स को सोचना चाहिए कि बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज़ और डेथ, इन सारे सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करें। एंटरप्रेन्योर्स को बोला जाएगा तो वो लोग इन सारे फील्ड्स में बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे जो कि एवरग्रीन फील्ड्स होंगे। बर्थ का फील्ड एवरग्रीन है, कभी भी मंदी नहीं आ सकती उसमें। ओल्ड एज से रिलेटेड एक इंडस्ट्री है आपका, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, वो ओल्ड एज को छुपाने में मदद करती है, वो भी बहुत फलफूल रही है। डिजीज़ वाली इंडस्ट्री को तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी COVID-19 कोरोना वायरस का ऐसा सिचुएशन आया है कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो उसका सारा पैसा चला जाएगा, इतना महंगा उसका इलाज है। खास करके अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई इलाज करवा रहा है तो। डेथ से रिलेटेड बिजनेस है, जो लकड़ियां हैं जलाने के लिए यूज़ होती हैं डेड बॉडीज़ को, और सारे सामान वगैरह उनका बिजनेस, ये सब सारा एवरग्रीन बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे लेकिन इनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सबको होता है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज़ और डेथ सबको होता है, किसी को नहीं चाहिए, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सब चीज़ हमारे ऊपर फोर्स्ड अपॉन है, हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ रहा है। हम बूढ़ा नहीं होना चाह रहे हैं, हम बीमार नहीं होना चाह रहे, लेकिन ना चाहते हुए भी कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं। अब बूढ़ा तो होना ही होना है, मरना भी है ही, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं इसमें, दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन विच आई एम कॉट। इसके अलावा हम जब इस वर्ल्ड में रहते हैं तो काफ़ी सारे क्लेश, संस्कृत में क्लेश बोलते हैं, प्रॉब्लम्स हमें कॉन्स्टेंटली टॉर्मेंट करते रहते हैं। आध्यात्मिक क्लेश, आदिदैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब द प्रॉब्लम्स विच वी इनकर फ्रॉम आवर ओन बॉडी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें हमारी बॉडी से ही होता है, जैसे डिजीज हमें नहीं चाहिए लेकिन होता है। आदिदैविक क्लेश मतलब वो प्रॉब्लम्स जो हमें नेचर से होती है, जैसे फ्लड, ड्रॉट आ जाएंगी तो हमें इस सिचुएशन से गुजरना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे, वी हैव टू डू द थिंग्स नेसेसरी। लेकिन ये अनवांटेड सिचुएशन है, हम लोगों को नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश इसको बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें दूसरों से होता है, दूसरे लिविंग एंटिटीज से होता है, उसको हम लोग आदि दैविक क्लेश बोलते हैं। और नेचुरल एपिडेमिक्स या प्रॉब्लम्स को हम आदि दैविक क्लेश बोलते हैं, आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में हमें होती रहती हैं, दीज आर ऑल्सो फोर्स्ड अपॉन अस, हम लोगों को नहीं चाहिए लेकिन फिर भी होती हैं, हम लोगों को इनके थ्रू गुजरना ही पड़ता है। इसके अलावा क्या हमने अपना फेस कट चूज़ किया है? जैसा हमारा फेस कट है हमने उसको एक्सेप्ट किया है, जैसे हमने अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट किया था हमने अपना फेस कट एक्सेप्ट किया। क्या हमने फेस कट चूज़ किया था कि ऐसा ही रहे, लंबा, छोटा, मोटा, जैसा भी है अभी? और क्या हम अपने बॉडीली सिस्टम से पूरी तरह अवेयर हैं
क्या हम ये कंट्रोल करते हैं कि जो हम खाते हैं उसका कौन सा पार्ट ब्लड बने और कौन सा पार्ट स्टूल बन जाए? हमारे अंदर की प्रक्रियाएं क्या क्या चल रही हैं, क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, इससे हम कम्प्लीटली अवेयर भी नहीं हैं। क्या हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं। हम इस तरह का सटल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करना चाह रहे थे। ब्रिटिश से तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं छोड़ी हैं अभी तक और ना कभी छोड़ेंगी। वी आर बाउंड बाय सो मेनी कंडीशंस, सो हाउ आर वी इंडिपेंडेंट? इतनी सारे कंडीशंस में हमें जीना पड़ रहा है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, प्रॉब्लम्स बाय वन सेल्फ, प्रॉब्लम्स बाय अदर्स, प्रॉब्लम्स बाय नेचर, इतने सारे कंडीशंस में हमें जीना पड़ रहा है। हमारा बॉडी भी कितना फ्रेजाइल है, कुछ हो गया तो उसका फल हमें झेलना पड़ेगा। हमारा चेहरा जैसा भी हो, अट्रैक्टिव है तो उसका अपना प्रॉब्लम है, अट्रैक्टिव नहीं है तो उसका अपना प्रॉब्लम है। इतना सारा कंडीशन है जिसमें हम जी रहे हैं, तो फिर हम इंडिपेंडेंट कैसे हुए? सो लेट्स टॉक अबाउट रियल इंडिपेंडेंस, पार्ट वन। सटल इंडिपेंडेंस के बारे में आज बात करेंगे। पार्ट टू में हम मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिकम फुली इंडिपेंडेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर हमें इंडिपेंडेंस ही चाहिए तो फुल इंडिपेंडेंस हमको नहीं मिल सकता इस वर्ल्ड में, क्योंकि डेथ को अवॉइड किया ही नहीं जा सकता है। ओके, डिजीज़, ओल्ड एज, ये सब अवॉइड नहीं किया जा सकता। जितना भी प्रॉब्लम्स अभी हमने आपको बताया, दे आर अनअवॉइडेबल, सबको होती हैं और किसी को नहीं चाहिए, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में, बट वी कैन सर्टेनली इंक्रीज आवर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। अपना डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस हम कुछ चीज़ें करके इंक्रीज कर सकते हैं। हम अपना फ्री विल यूज़ करके ये जो चीज़ें हैं जो हम चूज़ करते हैं उसको जुडिशियसली चूज़ करें, सो दैट कि हमें प्रॉब्लम्स कम से कम हो। आध्यात्मिक क्लेश आदि, दैविक क्लेश आदि, भौतिक क्लेश हमारे चॉइसेस से कम हो सकते हैं। जैसे अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो डिजीज होने का चांस कम हो सकता है। हम अच्छा ड्रेस करते हैं तो अच्छा बात करते हैं, अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, तो आदि भौतिक क्लेशेस कम हो सकते हैं। दूसरों से जो प्रॉब्लम्स हमें होंगे वो कम हो सकते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ों से भी वो सारे प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो हमें जुडिशियसली इन सारी चीज़ों को चूज़ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। कुछ कुछ चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे अपना फेस कट चेंज नहीं कर सकते, हम कहाँ पैदा हुए हैं वो चेंज नहीं कर सकते, तो इनको हम ग्रेटफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। लॉ ऑफ कर्म एक ऐसा लॉ है जिसके बारे में बताया नहीं जाता, लेकिन ये एक्ट करता है। किसी के घर में कार है और किसी के घर में चप्पल तक नहीं है, कोई झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ है और कोई बिरला के घर में पैदा हुआ है, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कोई बच्चा
मान लीजिए एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, एक झुग्गी झोपड़ी पे और एक बिल्डर के घर में, तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक्सप्लेनेशन केवल लॉ ऑफ कर्मा में ही है। तो जो भी हमें मिला है, हमारा करंट सिचुएशन जो भी है, हमको ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करने का कोशिश करना चाहिए। अभी अपने पेरेंट्स को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, उनको हमें ग्रेटफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। अपना फेस कट को हम हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर अच्छा से अपना बॉडी का देखभाल किया जाए तो थोड़ा बहुत हमारा फेस वगैरह भी अच्छा दिखता है। अगर कोई ओवर ईट कर रहा है तो उसका फेस दूसरे जैसा दिखेगा, कोई अगर माल नरिश्ड है तो उसका फेस दूसरे जैसा दिखेगा। थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है इस चीज़ में, तो हमें अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए कि हम कहाँ तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि हम पूरी तरह से चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना भी हम कंट्रोल कर सकते हैं हम उतना पैर फैलाएंगे अपना। एक लाइफ में हम ऐसा वैल्यूज़ के साथ जिए कि जब हम ओल्ड एज पे होंगे तब हमें अपने लाइफ पे फ़क्र महसूस होगा। वैल्यूज़ के साथ जीने में प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय वन सेल्फ ये बहुत कम होता है। ओल्ड एज में हमारे पास बोलने के लिए स्टोरीज रहेंगे कि इस सिचुएशन में हमने ऐसा किया था, और हम वो फ़क्र से बोल पाएंगे। तो हमें अपने लाइफ वैल्यूज़ पे बेस्ड बिताना चाहिए। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम उस वैल्यूज़ को डिराइव करके अपने लाइफ में आधारित करें और उन वैल्यूज़ के बेसिस पे हम अपना लाइफ बिताएं। देखा जाता है कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो वैल्यू बेस्ड होते हैं, जो अपना जीवन वैल्यूज़ के साथ बिताते हैं। तो जो लोग लाइफ को वैल्यूज़ के साथ बिताते हैं दे बिकम ट्रस्टवर्दी टू अदर्स। हमें अपना जीवन सेल्फ केयर में थोड़ा टाइम देना चाहिए। बॉडी, माइंड और सोल तीनों पे हमें टाइम देना चाहिए। हमारा बॉडी कैसे हेल्दी रहे, माइंड कैसे हेल्दी रहे, सोल कैसे हेल्दी रहे, ये सब सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बॉडी के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये सब सही तरीके से करना चाहिए। सबको मालूम है क्या करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं, ये अलग बात है, बिकॉज हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है। हमें पता है कि हमें रात भर मोबाइल नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम सब में से इतने कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हमें माइंड कंट्रोल प्रैक्टिस करना चाहिए। माइंड मतलब मन, तो मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र, सनातन धर्म में मंत्र है जिससे माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। इस्कॉन में एक बहुत फेमस मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से बोला जाता है कि माइंड बहुत शांत हो जाता है और धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। माइंड क्या होता है? माइंड इज द हब ऑफ ऑल द सेंसेस विच आर लोकेटेड इन द बॉडी। माइंड कंट्रोल होगा तो सेंसेस कंट्रोल होंगे, सेंसेस कंट्रोल होंगे तो बॉडी अच्छा से रहेगा। इसके लिए हमें अपने इंटेलिजेंस का एक्सरसाइज करना चाहिए। इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन माइंड, लेकिन माइंड क्या है, इतना हमसे इनपुट ले चुका है कि इंटेलिजेंस वहां पे काम नहीं करता। सोल इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ माइंड एंड सेंटर ऑफ द बॉडी ऑल्सो। सोल का टेक केयर कैसे किया जाए?
सोल का टेक केयर हमने जैसे बताया, हरे कृष्ण महामंत्रा का जाप करके, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्रा, इट कैन डिलीवर द माइंड एज वेल एज द सोल बोथ, एंड इट इज़ अ नाइस एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। जब हम इस मंत्र जाप को करते हैं तो जाने अनजाने में ही हम प्राणायाम कर लेते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, सोल को फीड कर लेते हैं। तो इस सेल्फ केयर में देयर इज कंपैशन फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए कंपैशन है। इस कंपैशन से हमें अपना टेक केयर करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ फर्स्ट एंड देन वी शुड एक्सटेंड दैट केयर टू आवर लव्ड वंस, टू द सोसाइटी एंड फ्रेंड्स। प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी, तो करना क्या चाहिए? लेट गो एंड मूव ऑन। जो नेसेसरी होता है उसको करके वी शुड टेक द नेसेसरी स्टेप्स एंड देन लेट इट गो फ्रॉम आवर माइंड। हम लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं जो कि हमें बहुत दुख देता है। वी शुड नॉट ग्रैब इट ऑन, हमको पकड़ के रखना नहीं चाहिए। हमको समझना चाहिए कि देर इज अ लॉ कॉल्ड एज लॉ ऑफ कर्मा। ये जो मुझे नुकसान हुआ है, ये जो मेरा दुख है, ये इसका कारण हम ही हैं, मेरे चलते आया है ये। लॉ ऑफ कर्मा बहुत फेमस है, सबको पता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कोई कुछ सिचुएशन में हम हैं, सम सिचुएशन हैज कम अराउंड मी, दैट मीन्स आई सेंड दो सिचुएशंस सम डे टू समवन। ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए हम अभी दुख में हैं। लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा कैन गिव अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। लेटिंग गो इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्किल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, नहीं तो हम चीज़ों को पकड़ के बैठे रहें तो हमें बहुत दुख होता रहेगा। कभी कभी चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, जाने देना चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन, ये हमें समझना चाहिए। एट द एंड हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए कि हमारा डेथ वर्चुअस हो जाए, पीपल रिमेंबर अस। लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉर्मल पीपल, फेमस पीपल नहीं है हम, लेकिन फेमस होके भी क्या वर्चुअस डेथ लोगों को मिलता है? नहीं। बहुत सारे फेमस लोग हैं जो मर गए, लोगों ने उनको याद रखा है, लेकिन उनका डेथ वर्चुअस नहीं है। वर्चुअस डेथ तभी मिलता है जब वैल्यूज में लाइफ बिताया जाए। हम अपने वैल्यूज से चिपके रहें, वी शुड स्टिक ऑन टू आवर वैल्यूज एंड देन व्हेन वी लीड आवर लाइफ विद दोज वैल्यूज एट सेंटर वी गेट अ वर्चुअस डेथ। डेथ के बारे में अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो भगवद गीता में लिखा गया है कि वट एवर यू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ योर डेथ बिकम्स योर रियलिटी। इसके बारे में कभी और अच्छे से बताएंगे, बट एक चीज़ है कि अगर आप अच्छी चीज़ों को याद रख पाते हैं डेथ के टाइम पे, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि अगर आप अच्छी चीज़ों को याद रख पाएंगे तो आपका फ्यूचर डेस्टिनेशन अच्छा होगा।
लेकिन हमने जैसा जीवन बिताया है उसके हिसाब से हमारा लास्ट टाइम पे रिमेम्बरेंस आता है। अगर हमने भगवान को पूरे लाइफ याद किया है तो एट द टाइम ऑफ डेथ वी विल रिमेम्बर गॉड एंड आवर डेथ विल बी रियली वर्चुअस। हमारा जो फ्यूचर डेस्टिनेशन होगा गॉडली होगा। इसको अच्छे से किसी फ्यूचर वीडियो में हम एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। कुछ स्किल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हमें सीखना चाहिए। मंत्रा मेडिटेशन के बारे में हम आपको बताया। कुछ वैल्यूज़ जैसे कि ग्रैटिट्यूड, गॉडलीनेस, स्पिरिचुअलिटी, ये सब हमें अपने लाइफ में डेवलप करना चाहिए। कुछ स्किल्स हैं जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस ह्यूमन जर्नी ऑफ लाइफ। अगर हम अच्छे से बातचीत करना सीख जाएं, कम्युनिकेट करना सीख जाएं, तो हम बहुत सारे अनवांटेड सिचुएशंस को, सफरिंग्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड और लेटिंग गो, हमारे साथ में ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा ही होगा। जब हमारे साथ अच्छा नहीं होता है तो हम सिचुएशंस को लेट गो कर सकते हैं। ये मेंटल स्टेट है, ये प्रैक्टिस करने पर डिपेंड है। सेल्फ केयर, कंपैशन, नॉलेज, नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हम अपने वाइसेस या जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं इनको मिनिमाइज़ करें, तो इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। देन वी कैन यूज़ आवर इंटेलिजेंस टू रिड्यूस दोज थिंग्स। जैसे कि पार्ट टू, इस वीडियो के पार्ट टू में हम बताएंगे कि मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हमने बात किया लॉज ऑफ मटेरियल नेचर जो हमें कंट्रोल करती हैं और हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए, सो दैट कि हम लॉज ऑफ मटेरियल नेचर से जो कंट्रोल होते हैं वो मिनिमाइज हो सके। जैसा कि हमने बोला कि ये हम बिल्कुल नलीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है अपने लेवल पे थोड़ा बहुत हम इसे कम ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्किल्स, वैल्यूज़ ज़रूरी हैं जो कि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंडेंट हो सकता है। उन स्किल्स वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए, लेटिंग गो सीखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड डेवलप करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें मंत्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, जिस मंत्रा के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। बहुत ही पावरफुल मंत्रा है। इस मंत्रा को लेके आई आई टी गुवाहाटी या समवेयर एक पेपर भी पब्लिश किया जा चुका है। हम किसी फ्यूचर वीडियो में उसे भी कवर करेंगे कि हरे कृष्णा मंत्रा को लेकर जो ब्रेन वेव्स एमिट होते हैं उन पर एक थीसिस भी लिखा जा चुका है। तो हरे कृष्ण मंत्रा इज़ अ वेरी पावरफुल मंत्रा जिसको चैंट करने से हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है और आवर सोल इज ऑल्सो डिलीवर्ड, आवर इंटेलिजेंस बिकम शार्पेंड। सेल्फ केयर लेना चाहिए, सेल्फ केयर से हम आध्यात्मिक क्लेशों से बच सकते हैं। The problems which our own body will give us will be minimized by self-care, proper self-care. Compassion, हमें ये knowledge दूसरों को देना चाहिए so that दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें।
दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट, सो दैट कि हमें एनकरेजमेंट मिले और हम इस तरह का वीडियो और बना सके. सेकंड पार्ट में आ रहे हैं मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को लेकर. मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे में आज के लिए इतना ही. रियल इंडिपेंडेंस हमें तभी मिल सकता है जब हम सारे अपने वाइसेस को ओवरटेक करें. मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको एक अलग से वीडियो में कवर करना पड़ेगा. सो हैप्पी रियल इंडिपेंडेंस. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.